तुम अपने ख्वाब को ना मेरे ख्वाब के साथ कंफ्यूज मत करो। मेरी जान, तुम्ही ने तो दिखाया है ये ख्वाब मुझे, और तुम ही जगा रही। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि तुम मर्दों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। अब मर्द तो ना कहे उन्हें अब्बा। किसने कहा है आपको? गलतफहमी हुई है, नाम ले उसका जिसने बताया है आपको। तो जबान चलाने की जरूरत नहीं है। कौन जीता और कौन? अंबर ये सच कह रही है? जी अब्बा, पार्क गए थे हम लोग और सीधा घर आए वहाँ से। मैं तो समझा था कि तुम समझदार, अब तुम लोग अपने कमरे में जाओ, और अगर तुम बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम बगैर पूछे आइंदा इस घर से कदम बाहर नहीं निकालोगी, समझी? जी अब्बा। चलो जाओ अपने कमरे में। अंबर, जी अब्बा। बेटा, मैं समझा था कि तुमने क्रिकेट छोड़ दिए। अब्बा, ये फरी ने मुझे फंसा दिया, वरना मुझे नहीं शौक कोई क्रिकेट का। बेटा, अगर है तो मेरी पूरी सपोर्ट तुम्हारे साथ है, लेकिन अगर नहीं है तो अपने आप को मुश्किल में ना डालो। लोगों के मुंह खुले होते हैं, हर कोई अपनी अपनी सोच रखता है। एक लड़की जरा सा कोई ख्वाब देख ले, कोई छोटी सी शरारत कर दे, तो लोग उसे एक जुर्म बना देते हैं। बेटा, अपनी माँ को परेशान ना करो। देखो, वो तुम्हारा घर बसाने के लिए कितनी जद्दोजहद कर रही है, कितनी मेहनत कर रही है, तुम समझती हो ना? जी अब्बा। और ये फरी को तो मैं समझ लूंगा, फरी के साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है, समझी? क्या कह रहे थे? कुछ भी नहीं, कह रहे थे कि इस फरी को ना जरा फ्री मत कराओ। और बस ये कि मैं बड़ी हूं और मुझे तुम्हें दबा के रखना चाहिए जरा। अगर ख्वाब में भी दबाया ना तो उठ के माफी मांगनी पड़ेगी। और क्या कह रहे थे? कुछ भी नहीं, बस मुझसे कह रहे थे कि अगर तुमने शादी करनी है तो फिर तुम क्रिकेट ना खेलो। मैंने तो कह दिया भाई, मुझे कोई शौक नहीं है शादी का। शादी का तो शौक है यार, बेहद शौक है, पर ये क्रिकेट क्रिकेट का शौक नहीं है मुझे, टकेगा भी नहीं है। शादी भी कोई शौक है रखने वाला? और सुनो, वो जो मिठू उसको हरा के इतनी बतीसी बाहर निकली हुई थी, उसका क्या? वो अलग बात है यार। अब देखो ना, सब लड़के क्रिकेट खेलते हैं, अब क्या सबके सब शायद अफरीदी बन सकते हैं? नहीं ना। नहीं बन सकता, लेकिन तुम अफरीदी हो। क्यों कर रही हो ऐसा आमो? शादी और क्रिकेट को साथ लेके चलो, वाय कॉम्प्रोमाइज? दुनिया के लिए यार। दुनिया के लिए खुद को बदल दूंगी। अगर कुछ बदलना चाहिए ना तो वो इस मुआशरे की सोच है, और उस हमीद की सोच को। ओए, उसका नाम मत लेना मेरे साथ। अच्छा, नहीं लेती। लेकिन आमो, अपने माजी के एक छोटे से सिरे के साथ ना आने वाले कल को मत उलझाओ। वो तुम्हारे काबिल ही नहीं था, वो तो शुक्र करो क्रिकेट बहाना बन गया, जान छूटी। देखो फरी, मैं ना दुनिया की सोच चेंज नहीं करना चाहते, ना ही मुझ में ताकत है और ना ही शौक। अब देखो यार, मैं रेवोल्यूशनरी तो नहीं हूं ना, ठीक है थोड़ा बहुत है कुछ खास होगा मुझ में, पर यार मैं एक आम सी लड़की हूँ, आम सी लड़कियों वाले शौक है मुझ में। अब इसमें अगर कुछ अच्छा है या बुरा है ये नहीं मजा। प्यार भी नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं चाहिए। कर लिया ना प्यार, कर लिया, भुगता लिया, अब दोबारा नहीं। क्या हो गया? क्या चाहती हो फरी तुम मुझसे? ऐसे क्यों देख रही हो? आमो, मेरे में तुम्हारा आधा टैलेंट भी होता ना तो आज मैं कहां से कहां होती।
तुम जैसा कोई भी नहीं है, ना मैं, ना लीजा, ना जुनेद, ना पाकिस्तान और ना ही कहीं बाहर की टीम में। क्यों जाया कर रही हो अपने आप को? एक काम करो, तुम ना मेरे ख्वाब के साथ अपने ख्वाब को भी जोड़ लो, फिर देखो क्या होता है। ओ प्लीज फरी, तुम अपने ख्वाब को ना मेरे ख्वाब के साथ कंफ्यूज मत करो। मेरी जान, तुम्ही ने तो दिखाया है ये ख्वाब मुझे, और तुम ही जगा रही। अरे तुम जिस फेस से गुजर रही हो ना, ये जो नया नया अजीम कदम उठाया है तुमने, मैं ये सब कर भी चुकी हूँ और गिर भी चुकी हूँ। इन सबसे बहुत आगे तक का ख्वाब देखा था मैंने, पर ना ख्वाब पूरा हुआ और ना ही हकीकत। अब तुम गिरोगे भी ना तो मैं तुम्हें जगाने के लिए नहीं आऊंगी, तुम अपने आप खुद जाग जाओगे। अच्छा भाई, मैं चली सोने। बेटा जी, अगर मैं गिरी ना तो इसी तरह धूल झटक के वापस उठ जाऊंगी, ना मुड़ूंगी और ना ही अपने आप से मुंह फेरूंगी। ये ख्वाब पूरा हो गए रहेगा आमो, देख लेना तुम। शाबाश, गुड लक। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।